सो गाइज, ये है हॉट वाटर जो हम मॉर्निंग में पियेंगे, और ये है फ्रूट चाट हाय मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू ब्रेकफास्ट। माय चैनल ब्यूटी विद कनिका। सो जैसे कि आपने देखा कि मॉर्निंग में मैं आपसे बात नहीं कर पाई और इस टाइम मैं शूट कर रही थी वीडियो। जल्दी ही फ्लिपकार्ट की वीडियो आएगी, फ्लिपकार्ट हॉल की। सो ये व्लॉग में मैं आज फुल डे व्लॉग व्लॉग कर रही हूँ कि मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ अपने फुल डे में। सो सुबह मैंने आपको, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा दिया है कि सुबह मॉर्निंग में मैं 10 बजे उठी थी, 10 AM सॉरी। सो उसके बाद मैंने फ्रूट चाट खाया, देन मैं शूट करने बैठ गई एंड अब हम बनाएंगे लंच। सो अब लंच स्टार्ट करते हैं, टाइम हो गया है, आई थिंक 1-1.5 बज चुके हैं। तो अब हम बनाएंगे लंच और आज हम लंच में खाएंगे बर्गर। तो मैं आपको थोड़ी सी रेसिपी डाल दूंगी बर्गर की कि मैं कैसे बनाती हूँ। इजी वे से मैंने बनाया है, चीज़ और मकेन्स की टिक्की और बर्गर बन, ये सब मैं बाहर से लाई हूँ। बस उसमें टमाटर प्याज डाल के और अच्छे से सेक के बन को हमारा बर्गर हो जाता है रेडी। सो वही मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं उसको कैसे बनाती हूँ। छोटी छोटी क्लिप डाल दूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको गेट रेडी विद मी डालूंगी कि मैंने जाना है कहीं पे और कहाँ जाना है और किधर जाना है, वो सब मैं आपको व्लॉग में पता चल ही जाएगा। और मैं आपको गेट रेडी विद मी भी डाल के अपना फुल आउटफिट दिखाऊंगी कि मैंने क्या पहना, मैं कैसे तैयार हुई, मैंने कौन से झुमके वेयर करे। सो चलिए ज्यादा इंट्रो बड़ा ना करते हुए आप देखिए मेरा व्लॉग आज का व्लॉग। तो आप देख सकते हैं, ये है प्रिपरेशन बर्गर बनाने की, और ये हमने करी थोड़ी मस्ती, और हमने ये डाला हमारा मेयोनीज, जिसमें चाट डाला मसाला। और देखिए अब हम करें, हम बनाएंगे बर्गर्स। हमने इस बन को कर दिया, थोड़ा सेक दिया, एंड ये सो बर्गर बन गाइस, आज रेडी। का लंच ये है, ये बर्गर और हम खाएंगे बेसन का लड्डू। सो गाइज, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने जाना था अपनी फ्रेंड के घर गुरुजी की पाठ के लिए। सो ज़्यादा ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं करना है, बस थोड़ा सा डिसेंट सा, थोड़ा बहुत रेडी होना है। सो हम लगाएंगे ये मेबलिन की बिल्कुल लाइट फाउंडेशन, बिल्कुल लाइट, 2 ड्रॉप्स ओनली। नेक्स्ट मैंने कॉम्पैक्ट लगाया, इसे अच्छे से अपने फेस पे अब ब्रश से मैं अच्छे से इसको कर लूँगी ब्लेंड। एंड अब मैं लगा लूँगी ये, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह हो सकती है क्योंकि जोत वगैरह जलेगी। सो उसके लिए हमने सेटिंग स्प्रे यूज़ करा। अब हम थोड़ी सी आईब्रोज बनाएंगे क्योंकि मास्क में आपको सिर्फ आईब्रोज ही दिखती हैं और आईज ही दिखती हैं, तो उस पर आजकल ज़्यादा काम करिए। सो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि अपनी आईब्रोज अच्छी सी बनाइए, फेक नहीं लगनी चाहिए। मेरी बहुत ज़्यादा डार्क है आईब्रो, इसलिए मैं बहुत लाइटली इसको मुझे करना पड़ता है मेड अप। सो उसके बाद मैंने लगाया लाइनर, और मैंने कुछ भी नहीं लगाया, आप खुद देख सकते हैं, ना मैंने कंटोरिंग ना ब्लशिंग, क्योंकि बहुत मतलब पार्ट था ऐसा, कुछ बहुत बड़ा फंक्शन नहीं करना था। सो उसके हिसाब से मैंने पार्ट के हिसाब से सूट पहना, और ये ली मैंने लाइनर लिया, ये ओरिफ्लेम का लाइनर है। सो ये बहुत अच्छा लाइनर है, नो डाउट, इससे अच्छा लाइनर मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा। हालांकि वाटरप्रूफ नहीं है, फिर भी ओरिफ्लेम का ये लाइनर है और बहुत ज़्यादा सस्ता भी है, पर ये लाइनर बहुत अच्छा है, इसका ग्रेस बहुत अच्छा है। सो ये मेरी थर्ड टाइम लिया है और मैं यही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। और अब देखिए, ये मैंने लाइनर लगा लिया, अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी आई थिंक। हाँ, मैं देख रही हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, हम बाहर जाएंगे। सो अब मैंने ये कवर गर्ल की लिपस्टिक ली है, ब्राउनिश कलर की, ये थोड़ी शिमरी शेड है, ये बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल डिसेंट न्यूट कलर है। सो ये मैंने अपने फेस पे लगा लिया, अपने लिप्स पे सॉरी। बस इतना ही, मैं रेडी हुई थी जाने के लिए, थोड़े से बाल को टाई अप कर लूँगी ठीक से, ये झुमकास पहन लूँगी, थोड़े से बाल को टाई अप करूँगी बाद में, अभी मैं आपको ओवरऑल लुक दिखाऊँगी। देख सकते हैं, बैकग्राउंड को आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। सो सो ये गाइस, देखिए आई एम रेडी।
आई एम रेडी टू गो। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं क्या करने जा रही हूँ। सो लेट्स गो। रात के बज रहे हैं 11 और अब हम लोग करेंगे नाइट टाइम रूटीन। और मैं जहाँ गई थी मैं वहाँ से आ गई थी अराउंड 9 o'clock। फिर मैंने एक्चुअली मैं डिनर करके आई थी। फिर अब कोई अब फैमिली का था, ऑलमोस्ट मेरी फैमिली लगती है वो। सो वहाँ पर अब जो टाइम लग गया मैंने पूरा डिनर करके आई थी मैं वहाँ से। गुरुजी का पार्ट था वो। वहाँ पर ये होता है कि जो भी वहाँ का लंगर नहीं बोलते, आई थिंक उसको बोलते हैं प्रसाद। जो प्रसाद होता है वो आपको पूरा वहीं खाकर आना होता है। मैंने सारा प्रसाद वहाँ खाया था। प्रॉपर रोटी थी, चावल थे, सब कुछ था, मीठा भी था, रायता भी था। सब कुछ हम खा के आए हैं। अब रात के बज रहे हैं 11, मुझे टाइम नहीं मिला आने के बाद क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मैंने कर लिया था रेस्ट। अब हम रात की नाइट रूटीन करें। फेस वॉश मैंने कर लिया है और मैंने बाथ भी, नाइट बाथ भी ले लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं एल्प्स का रोज टोनर, ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए और बहुत ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड करता है। तो अभी मैं खड़े खड़े आपके साथ बात करते करते ये वीडियो बना रही हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरी छोटी सी मेकअप वैनिटी टाइप है, अभी बिल्कुल साफ़ नहीं है, इसको साफ़ करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ माई नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये है एल्प्स का टी ट्री इजेंशियल ऑयल, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी कैमरा जैसे कैप्चर करेगा वैसे देख सकते हैं। सो ये अब नेक्स्ट है, मैं इसको लगाऊंगी और सो जाऊंगी। और जल्द ही वीडियो आने वाली है लाजपत नगर की। शायद इस ब्लॉग के बाद ही मैं लाजपत नगर की वीडियो करूंगी, उसका फुल डे आपको ब्लॉग दिखाऊंगी, उसके बाद मैंने क्या कह लिया वो भी आपको दिखाऊंगी। अब करते हैं हम इस ब्लॉग का एंड। टिल देन बाय गाइस, बाय।